हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर माधुरी देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर दयानंद साइंस कॉलेज लातूर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टोबैको मोजाइक वायरस। जस्ट वेट, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर इन ऑफलाइन लेक्चर्स, बट नाउ we have started our revision series, and so what, due to this pandemic situation I have started this channel for all of you friends. So without wasting our time, let us start to discuss about tobacco mosaic virus. Okay, सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, हमारे ऑफलाइन लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये यूनिट फर्स्ट का जो एक पॉइंट है टोबैको मोजाइक वायरस। बट अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से हम लोग ये ऑनलाइन मोड से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रिविजन। एंड फॉर योर कन्वीनियंस ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट गेट एनी डिफिकल्टीज। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम टोबैको मोजाइक वायरस। नाउ सी हिस्ट्री, पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे टोबैको मोजाइक वायरस के। टोबैको मोजाइक वायरस, इट गॉट द नेम एज टोबैको मोजाइक वायरस बिकॉज फर्स्टली इवानोस्की, रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की फाउंड दैट, डेमेट्री इवानोस्की नेम्ड साइंटिस्ट फाउंड टोबैको प्लांट्स इन्फेक्टेड बाय दिस वायरसेस। सो इट इज कॉल्ड एज अ टीएमवी और टोबैको मोजाइक वायरस। बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट दिस वायरस शुड इन्फेक्ट ओनली टोबैको, इट कैन इन्फेक्ट ऑल सोलानेसी प्लांट्स फैमिली। ओके, सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी कि ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है, ये उसको नाम टीएमवी क्यों दिया है टोबैको मोजाइक वायरस, बिकॉज एक रशियन साइंटिस्ट था डेमेट्री इवानोस्की, एंड उसने 1893 में ये फाइंड आउट किया कि ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है वो वायरस जो है टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, एंड सो उसका नाम जो है वो टोबैको मोजाइक वायरस रखा। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि ये सिर्फ टोबैको प्लांट को ही इन्फेक्शन कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, वो ऑल सोलानेसी प्लांट्स के जो फैमिली के प्लांट्स है उसको इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। एंड उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अलोंग विथ प्रोटीन कोट कैप्सिड्स। ओके, सो हम लोगों को पता है कि ये मोर देन 350 डिफरेंट स्पेसीज को इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, एंड ये मोजाइक पैटर्न फॉर्म कर लेता है। मोजाइक पैटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे ये वो पैचेस फॉर्म कर लेता है कि ग्रीन कलर येलो कलर के पैचेस जो होते हैं ना वेन एंड वेनलेट्स के ऊपर, वैसे अपीयरेंस फॉर्म करता है मोजाइक पैटर्न में। सो उसको नाम दिया है कि ये टोबैको मोजाइक वायरस है, एंड इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की इन 1893। सो फ्रेंड्स, इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवानोस्की के फील्ड में जो टोबैको का प्लांटेशन किया था, तो उसने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द प्लांट्स इन्फेक्टेड बाय द डिसीजेस एंड सम प्लांट्स आर हेल्दी। सो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे जो साफ होता है ना, इन्फेक्टेड प्लांट्स का साफ निकाल के ही फिल्टर थ्रू द बैक्टेरियल फिल्टर, एंड ही यूज अ फिल्ट्रेट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो कैसे किया उसने, जैसे जो साफ मिलता है जो बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर आउट किया वाला है, जो फिल्ट्रेट हम उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो जो फिल्ट्रेट है उसने उसके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हेल्दी प्लांट्स के सरफेस पे, लीफ सरफेस पे उसको अप्लाई कर दिया,
एंड उसने ऐसे ऑब्जर्व किया कि ये जो हेल्दी प्लांट्स है दिस ऑल्सो कॉजेस और शोज द इन्फेक्शन. एंड एज पर हिज एक्सपेरिमेंट एज पर ही जस्ट कंक्लूडेड दैट देयर इज समथिंग विच इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द बैक्टेरिया विच कॉजेज द इन्फेक्शन टू द टोबैको प्लांट्स. ऐसे उसकी डिस्कवरी हो गई. एंड इट इज द मोस्ट यूजफुल हैविंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिकॉज टोबैको मोजाइक वायरस इज फर्स्ट एवर वायरस विच इज फाइंड आउट और विच इज इंट्रोड्यूस इन टू दी प्लांट्स. एंड वॉट वी कॉल इट एज द जीनोमिक सिक्वेंस. साइंटिस्ट कैन स्टडी द जीनोमिक सिक्वेंस ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज टीएमवी इज द फर्स्ट वायरस विच कैन बी क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टेनले. सो इट्स हैविंग अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. नाउ सी हियर फ्रेंड्स, वन ऑफ द साइंटिस्ट डब्ल्यू एम स्टैनली इन 1935 हु ऑल्सो शोड दैट टोबैको मोजाइक वायरस रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन. फॉर हिज वर्क ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1946. नाउ स्टूडेंट, यू कैन ऑब्जर्व हियर द डायग्राम ऑफ टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस इमेज दैट वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर. कॉइल्ड आरएनए विच रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर्ड एंड सराउंडिंग टू दिस कॉइल्ड आरएनए जीनेटिक मटेरियल. दिस जीनेटिक मटेरियल लेट मी शो यू हियर बाय यूजिंग द पॉइंटर. सो दीज आर द कॉइल्ड आरएनए. इट इज प्लस स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड विच इज सराउंडेड बाय दीज प्रोटीन सब यूनिट्स दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सोमियर. सो फ्रेंड्स, इफ यू ऑब्जर्व दिस टोबैको मोजाइक वायरस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट जस्ट लुक लाइक द रॉड शेप्ड एंड दिस कैप्सोमियर अरेंजमेंट इज हेलिकल शेप विच रैप्ड सराउंडिंग टू दिस कॉइल्ड आरएनए. सो सी हियर फ्रेंड्स, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है अभी आपको कि जैसे ये कॉइल्ड आरएनए होता है जो रेड कलर से दिखाया वाला है यहाँ पे, उसके सराउंडिंग को जो होता है वो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं बहुत सारे स्मॉल एंड दैट इज नथिंग बट द कैप्सोमियर. एंड इसकी जो अरेंजमेंट होती है अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हमने ऑब्जर्व किया तो हम लोग देख सकते हैं कि ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है. 30 नैनोमीटर उसका लेंथ होता है एंड 18 नैनोमीटर जो होती है उसकी डायमीटर होती है. एंड बीच में जो होता है, देखो यहाँ पे जो बीच में कोर होता है, सेंट्रल कोर जो होता है अंदर से ऐसे होलो कैविटी समझो. एंड दिस सेंट्रल कोर शोइंग द डायमीटर ऑफ 4 नैनोमीटर. ऐसे इसका स्ट्रक्चर है जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. नाउ सी, नाउ विल डिस्कस हियर अबाउट द स्ट्रक्चर. दिस टोबैको मोजाइक वायरस इज मेड अप ऑफ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दैट जीनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज सराउंडेड बाय दिस प्रोटीन कोट. द कंप्लीट वायरस इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रिजिड रॉड शेप्ड पार्टिकल. वाई वी कॉल इट एज ए पार्टिकल, बिकॉज इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. सो वी प्रेफर टू कॉल इट एज अ पार्टिकल. वंस वेन इट एंटर्स इन साइड द प्लांट सेल द प्रोटीन कोट फॉल्स अवे. न्यूक्लिक एसिड ऑफ दिस टोबैको मोजाइक वायरस डायरेक्ट एंटर्स इन टू द प्लांट सेल एंड इट प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज वायरसेस दैट इज टीएमवी वायरसेस. एंड आफ्टरवर्ड इट ऑल्सो फॉर्म्स द प्रोटीन वायरस
protein by disrupting or by hijacking the normal activity of the plant cell. Its capsid is made up of capsomere, and the total capsomeres, which are usually present in single tobacco mosaic virus, are approximately 2130 molecules. So, कितने molecules होना है यहाँ पे? Subunits, we can call it as a subunits, जो 2130 capsomeres जो होना है, इससे बना वाला वो capsids होता है. एंड ये कैप्सोमियर जो होता है वो प्रोटीन कोड का बना वाला होता है. ओके, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मिडल में क्या है यहाँ पे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, एंड सराउंडिंग को ये सब कैप्सोमियर्स है. एंड इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6.3 टू 6.5 किलो बेस सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए जीनोम. यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, देयर आर टू स्ट्रैंड्स, दैट इज द 3' टर्मिनल्स एंड 5' टर्मिनल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द 3' टर्मिनल्स. द 3' टर्मिनल्स ऑफ द जीनम ऑफ दिस वायरस हैज ट्रांसफर आरएनए लाइक अपीयरेंस, एंड 5' टर्मिनल्स ऑफ द जीनम ऑफ दिस वायरस हैज मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड कैप. सो यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 3' टर्मिनल्स जो होता है जीनोम का, तो ट्रांसफर आरएनए जैसा होता है ना, ट्रांसफर आरएनए के जैसा उसका अपेरेंस होता है. एंड 5' टर्मिनल जो होता है वो मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड कैप शो करता है, पजेस करता है. हाँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डायग्राम इंसर्ट किए हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए कि कैसा होता है ये टोबैको मोज़ेक वायरस. नाउ सी हियर, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम. वी कैन ऑब्जर्व हियर फ्रेंड्स, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर और बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सोमियर. लेट मी शो इट बाय यूजिंग पॉइंटर. ओके, वेट. ओके, दिस बंच ऑफ ग्रेप्स और बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सोमियर, सॉरी, which is protein subunits. And this is nothing but the ribonucleic acid, and the entire structure, that is called as a capsid, and this capsid consists of about 2130 capsomere subunits. Again, we can find out here sectional view of this कैप्सोमियर और टोबैको मोज़ेक वायरस. ओके, एंड द होलो कैविटी, हियर वी कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली इन दिस डायग्राम. होलो कैविटी और दिस इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल कोर, एंड इट इज अबाउट 4 नैनोमीटर इन डायमीटर. ओके, एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टोबैको मोज़ेक वायरस. And this B diagram, it represents the tobacco mosaic virus in magnified form. This is the rod shaped structure. It's about 30 nanometer in length and 14 to 18 nanometer in diameter, with living central core of 4 nanometer diameter. Okay, understand ho gaya? Now let us discuss another slide. This one also TMV virus, image of TMV, picture of this TMV virus. And friends, this structure consists of about 95% of protein and only 5% of genetic material. Now let us discuss this tobacco mosaic virus. It is also called as TMV, and it is most extensively studied virus in plants. It was the pathogen description. TMV is the viral plant pathogen and the member of large group of viruses within the genus of Tobamo virus. So friends, ये जो TMV virus है उसका genus जो है वो Tobamo virus है genus.
इट्स पार्टिकल्स आर रिजिड है एंड दे आर रॉड शेप, 300 नैनोमीटर्स लॉन्ग होते हैं एंड 18 नैनोमीटर जो होती है उसकी विड्थ होती है. सेंट्रल कोर जो होता है डायमीटर का ये 4 नैनोमीटर इनसाइड द टोबैको मोजाइक वायरस है. सो दिस हियर शुड बी स्लाइट करेक्शन. दिस लेंथ ऑफ द रॉड शेप टीएमवी इज 30 नैनोमीटर एंड विड्थ इज 18 नैनोमीटर. दिस कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2130 कैप्सोमियर सब यूनिट्स. ओके, वी कैन ऑब्जर्व हियर सेंट्रल ल्यूमेन कैविटी. ईच कैप्सोमियर शोज द ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटेनिंग अबाउट ईच कैप्सोमियर शोइंग 158 एमिनो एसिड्स एंड 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच कैप्सोमियर. सो यहाँ पे जो कैप्सोमियर रिप्रेजेंट किए वाले हैं, ईच कैप्सोमियर में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड 158 एमिनो एसिड्स होना है. ईच टीएमवी शोज 130 टर्न्स एंड ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ 16 कैप्सोमियर. तो टर्न्स कितने हैं, ये पूरे जो टर्न है ये 130 टर्न्स होते हैं एंड ईच टर्न में 16 कैप्सोमियर्स होते हैं. सो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ये टोबैको मोजाइक वायरस में, ये अभी देखो एक कैप्सोमियर में 3 न्यूक्लियोटाइड्स है. तो टोटल कैप्सोमियर कितने हैं हमारे पास ये एक टोबैको मोजाइक वायरस में, 2130 × 3. सो एंटायर न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस टोबैको मोजाइक वायरस आर 6390. दिस टोबैको मोजाइक वायरस इज थर्मोस्टेबल, मीन्स इट कैन सर्वाइव इट सेल्फ अंडर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो. डिसीज साइकल असोसिएटेड विद द टोबैको मोजाइक वायरस, हाउ द डिसीज साइकल इज गोइंग ऑन विल डिस्कस नाउ हियर. टोबैको मोजाइक वायरस इन्फेक्ट द टोबैको स्टॉक्स और लीव्स. फर्स्ट द टीएमवी गोज थ्रू द इन्फेक्शन प्रोसेस एंड द रिप्लिकेशन प्रोसेस लैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हियर इन्फेक्शन प्रोसेस एंड लैटर विल डिस्कस अबाउट द रिप्लिकेशन प्रोसेस. इन्फेक्शन प्रोसेस, आफ्टर the entry into the particular cell of the plants, it enters to the neighboring cell through the plasmodesmata. The infection spread by direct contact and also by the phloem. देखो अभी infection कैसे cause कर लेता है, जैसे ये जो plant में infection करता है TMV, it can enter through the stomata or by wound. जैसे injury हो जाती है plants को, कुछ जो वेपन्स यूज़ करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट्स एग्रीकल्चरल वेपन्स यूज़ करते हैं, तो अगर किसी जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसे हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर लेता है. एंड व्हेन दिस टोबैको मोजाइक वायरस एंटर्स इनटू द हेल्दी प्लांट सेल, तो जो प्लास्मोडेस्माटा होते हैं नेबरिंग सेल में एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म करने के लिए जो प्लास्मोडेस्माटा होते हैं एंड जो फ्लोएम होते हैं जो फूड कंडक्ट करती है, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है ये, जो फूड कंडक्ट कर लेती है, तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शन जो होता है वो सीवियर होता है. यहाँ पे भी स्लाइट डिफरेंस है कि जैसे अगर किसी हेल्दी प्लांट्स में एंटायर टोबैको मोजाइक वायरस की अगर एंट्री हो गई है थ्रू स्टोमाटा या फिर ऊंट से, वॉट एवर मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं यहाँ पे एंट्री के कैसे, एंड जैसे अगर एंटायर टोबैको मोजाइक वायरस की एंट्री हो गई हो प्लांट के हेल्दी प्लांट्स के सेल में, तो ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है. एंड समटाइम ऐसे होता है कि टोबैको मोजाइक वायरस जो है इट ओनली इंसर्ट इट्स जीनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए ओनली एंड दैट प्रोटीन कोट कैप्सिड इज रिलीज आउटसाइड. जब ऐसे सिचुएशन होती है कि सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए के फॉर्म में वो
होने वाला जो है वो सिर्फ प्लांट में इंसर्ट हो जाता है एंड जो कैप्सोमियर होता है सराउंडिंग का वो रिलीज आउट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो इन्फेक्शन होना है वो इतना सीवियर नहीं होता, वो माइल्ड हो जाता है। ओके एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिप्लिकेशन प्रोसेस। अभी रिप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। आफ्टर द एंट्री ऑफ द वायरसेस इनटू द होस्ट सेल द वायरसेस अनकोट इटसेल्फ एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस फ्रेंड्स एंड रिलीजेस इट्स जीनोम इनटू द होस्ट सेल। देन द वायरल जीनोम रिप्लिकेट इटसेल्फ इनटू द होस्ट सेल। आफ्टर द होस्ट कोट प्रोटीन्स एंड जीनोम हैज बीन सिंथेसाइज दे स्पोंटेनियसली असेंबल इनटू द कॉम्प्लेक्स टोबैको मोजाइक वायरॉन्स। व्हाट इज वायरॉन्स? वायरॉन्स आर स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन टू द प्लांट्स विच काइंड ऑफ द सिम्टम्स शोज बाय द होस्ट प्लांट? लाइट डिसकोलरेशन बिटवीन द वेंट्स ऑफ द एंग्लियोस, डेवलपमेंट ऑफ मोजाइक और मोल्डेड पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन एरियाज इन द लीव्स। लीव्स कैन ऑल्सो क्रिंकल और इलोंगेटेड और फकट। ओके सो सिम्टम्स कैसे है? एक बार टोबैको मोजाइक वायरस की एंट्री जैसे हेल्दी प्लांट्स के सेल में हो जाती है तो उसके वेंस एंड वेनलेट जो होते हैं वो मोजाइक पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं। मोजाइक पैटर्न मतलब कैसा है? येलो एंड ग्रीन कलर का नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं एंड उसके जो लीफ सरफेस होता है वो कर्ल हो जाता है एंड जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ऑल दीज आर द सिम्टम्स शोन बाय वंस एनी प्लांट इन्फेक्टेड बाय दिस टीएमयू वायरस। अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। वन ऑफ द कॉमन कंट्रोल मेथड ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस इज सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन वर्ड से हम लोग बहुत फैमिलियर हो गए ये कोविड के ड्यूरेशन में। सो सैनिटाइज करना वन ऑफ द यूजफुल ट्रीटमेंट है एंड जैसे इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव आउट करना है एंड हमारे हैंड जो होता है होते हैं वो वॉश करना है फ्रिक्वेंटली। देन सेकेंड जो है वो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स कैसे? इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं वो अवॉइड करना है और सीड बेड जो होता है लास्ट 2 ईयर से या फिर बहुत सारे ईयर्स जो जो होते हैं क्रॉप रोटेशन करना है। एक ही प्लांट बार बार उसी फार्मलैंड में ग्रो नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट क्रॉप रोटेशन मतलब कैसा कि जैसे अभी एक्स वाई जेड एक्स क्रॉप ले लिया, समझो अभी टोबैको का प्लांट ये प्लांट का क्रॉप ये ईयर में लिया तो सेकेंड ईयर में हम जवार का ले सकते हैं, फिर थर्ड ईयर में जो होता है फिर हम टोबैको का ले सकते हैं। ऐसे क्रॉप रोटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है अवॉइड करने के लिए ये डिसीज। एंड जो डिब्रिस होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करना है ताकि जो डे वो जो डेड लीव्स होते हैं उसके ऊपर हो सकता है टीएमवी का इन्फेक्शन हुआ वाला है एंड इट मे कॉजेज द इन्फेक्शन टू दी अदर हेल्दी प्लांट्स ऑल्सो। इट मे रिसाइड्स मेनी ऑफ द ईयर इनसाइड दी सॉइल एंड सो दैट वी कैन टेक द प्रिकॉशन टू अवॉइड सच काइंड ऑफ द इन्फेक्शन बाय मेकिंग द क्रॉप रोटेशन ऑल्सो। एंड ऑल्सो इन क्रॉप रोटेशन वी कैन चेंज द स्पेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट जीनस। जैसे हम लोगों को पता है कि अलग अलग स्पेसिस होते हैं, जीनस एक भी होगा तो अलग अलग स्पेसिस होते हैं, तो हम क्रॉप रोटेशन में अलग अलग स्पेसिस यूज कर सकते हैं। एज फॉर एनी प्लांट डिसीजेस लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस स्ट्रेन अगेंस्ट द टोबैको मोजाइक वायरस इज ऑल्सो एडवाइज्ड। सो फ्रेंड्स एज यूजल वी नो दैट वी कैन यूज द डिसीज रेजिस्टेंस वराइटी। Furthermore, the cross protection method
can be administered where the stronger strain of tobacco mosaic virus infection is inhibited. Okay. By infecting the host plants with the mild strain of TMV similar to the इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के जैसा उसका इफेक्ट शो करता है ये. नाउ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ये है, पास्ट 10 ईयर्स में एप्लीकेशन ऑफ जीनेटिक इंजीनियरिंग ऑन द होस्ट प्लांट जीनोम हैज बीन डेवलप्ड टू अलाउ द होस्ट प्लांट टू प्रोड्यूस द TMV कोट प्रोटीन विद इन दियर सेल्स. सो इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी है. इट वॉज हाइपोथेसिस्ड दैट द टोबैको मोजाइक वायरस जीनोम विल बी रिकोटेड रैपिडली अपॉन एंटरिंग द होस्ट सेल, दस इट इज इट प्रिवेंट इनिशिएशन ऑफ TMV रिप्लिकेशन. सो TMV रिप्लिकेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज है यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं. जैसे कौन सा एक